बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस में कितने लोगों ने, यानी कि कितने उम्मीदवारों ने, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, लड़कों की तादाद कितनी है, लड़कों की तादाद कितनी है, सराओं की तादाद कितनी। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट आपको बताऊँगा। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि आप लोगों का जो है वो फिजिकल कब से होने जा रहा है, यानी कि अगला मरला कब से शुरू होने जा रहा है, ये भी बताऊँगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और बात क्लियर करूँगा कि जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो कौन कौन से काम करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, और किन कामों से आप लोग बचना चाहिए जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। तो ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आप लोग छोटी दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ में देखिए बेल के आइकन को दबा लें। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, अभी मेन टॉपिक की बात करते हैं जी। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो आपकी स्क्रीन पर ये कुछ नज़र आ रहा होगा जो मैंने लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जी इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस को 1,41,739 दरख्वास्तें वसूल हुई। इनमें से 6,092 ख़वातीन ने अप्लाई किया। इसके अलावा 1,07,526 मर्दों ने दरख्वास्तें दी हैं। 28,121 ख्वाजा सराओं ने भर्ती के लिए दरख्वास्तें दी हैं। 28,121 ख्वाजा सराओं ने तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल की गई है, ठीक है। सबसे ज़्यादातर दरख्वास्तें पंजाब से वसूल हुई हैं। इसके हुई है भर्ती के लिए दरख्वास्तों का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। तमाम दरख्वास्तों की स्क्रूटनी जारी है जिसको जल्द मुकम्मल करके जिस्मानी टेस्टों का आगाज़ होगा। भर्ती के सिलसिले में 2,816 सवाल पर उम्मीदवारों की रहनुमाई की गई है और इनको हल किया गया है। तो जी 1,41,739 लोगों ने अप्लाई किया है इस्लामाबाद पुलिस में। इसमें लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने हैं और ख्वाजा सरा कितने हैं, ये सब कुछ आपको बता दिया, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो अगला मरला कौन सा है और कब शुरू होगा, तो अगला मरला है जी आपके फिज़िकल टेस्टों का। फिज़िकल टेस्टों का आपका अगला मरला है, फिज़िकल टेस्ट में होंगे, फिज़िकल टेस्ट होंगे। फिज़िकल टेस्ट कब होंगे, फिज़िकल टेस्टों को मैं आपको डेट बता दूँ, मिड नवंबर के बाद, 15 नवंबर के बाद आप लोगों को जो है इस्लामाबाद पुलिस के वो फिज़िकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा, तो आपने इस पर खास और ख़ास नज़र रखनी है। तो फिज़िकल टेस्ट में होना क्या क्या है जी, आपकी रनिंग होनी है, ठीक है, लड़कों की भी होनी है और लड़कियों की भी होनी है। इसका क्या क्या क्राइटेरिया वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि लड़कों की कितनी होनी है और लड़कियों की कितनी होनी है। इसके अलावा आपकी हाइट होगी, हाइट 5 फुट 7 इंच लड़कों के लिए है, 5 फुट 4 इंच आई थिंक 2 इंच लड़कियों के लिए है, ठीक है। उसके बाद हाइट लड़कों की चेस्ट भी होती है 33 और 34.5, हाइट चेस्ट और रनिंग वगैरह का टेस्ट होगा। पुशअप सिटअप वगैरह भी होते हैं लेकिन वो नॉर्मल टाइप होते हैं, वो सिर्फ बॉयज़ के होते हैं, ठीक है। लड़कियों की सिर्फ हाइट होगी और रनिंग होगी। तो ये मरले हैं, ये मैंने आपको अगला मरला भी बता दिया है, फिज़िकल टेस्ट में बता दिया। और अभी किन बातों की वजह से आप लोग फेल हो जाते हो, तो जो लोग मेन गलतियां करते हैं वो लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग फिज़िकल टेस्ट की तैयारी नहीं करते। फिज़िकल टेस्ट की तैयारी किया करो, फिज़िकल टेस्ट इतना मुश्किल नहीं हो, तो फिज़िकल टेस्ट की तैयारी करके जाया करो। इसके अलावा आप लोगों ने रिटर्न टेस्ट की तैयारी को अच्छे तरीके से करना, ले यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर आप लोग रिटर्न टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो किसी भी जॉब के लिए रिटर्न टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, फीसेस भी नॉर्मल है, बाकी तमाम अकेडमियों से हमारी अकेडमी सस्ती है, फीसेस भी नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, आप लोगों ने फिज़िकल की तैयारी करके जाना है, इसके अलावा रिटर्न टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो आप फेल होने से बच जाओगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद टिप्स मैं आपको अपने से यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। मज़ीद जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नज़र रखें और हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें www.propafjob.com। मज़ीद डिटेल्स आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।